मुंबई हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना करना सावनेर स्थित अरविंद सहकारी बैंक को उस समय महंगा पड़ा जब बैंक ने सील लगाकर एक ग्राहक का मकान गोडाउन जब्त किया था, जो कोर्ट की फटकार और अतिरिक्त जिलाधीश के आदेश पर जब्त की गई प्रॉपर्टी शिकायतकर्ता ग्राहक अनिल काकानी को ताला तोड़कर वापस करना पड़ा। इस बारे में पेश है सावनेर से हमारे संवाददाता संजय मीरे इनकी स्पेशल रिपोर्ट। फिरियादी अनिल काकानी ने सावनेर की अरविंद सहकारी बैंक लिमिटेड से कर्ज लिया था, जिसका भुगतान न करने से बैंक ने सरफरेसी की अधिनियम के अंतर्गत वसूली की कार्रवाई करते हुए फिरियादी के तारण संपत्ति का ताबा मिलने हेतु अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी नागपुर इनके समक्ष आवेदन दिया था, जिसके चलते अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी इन्होंने बैंक का आवेदन मान्य करते हुए तारण संपत्ति का ताबा अरविंद सहकारी बैंक को दिए जाने के लिए निर्देश किया था, जिसके चलते अरविंद सहकारी बैंक को मंडल अधिकारी व तलाठी सावनेर इन्होंने तारण संपत्ति का ताबा तारीख 31 अक्टूबर 2020 को दे दिया, जिसके बाद बैंक ने तारण संपत्ति पर अपना ताला लगाया। किंतु संपूर्ण देश में कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय मुंबई ने तारीख 26 मार्च 2020 को आदेश पारित करते हुए परिच्छेद 9 के अनुसार यह निर्देश दिए कि अगर किसी न्यायालय ने, ट्रिब्यूनल ने, अथॉरिटी ने ताबा लेने का या संपत्ति खाली करने के और संपत्ति गिराने के आदेश पारित किए हैं, उसे भी स्थगित कर दिए हैं और वह आदेश तारीख 31 अक्टूबर 2020 तक बढ़ाए गए थे। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अस्तित्व में रहते हुए तहसीलदार सावनेर इन्होंने मंडल अधिकारी तथा तलाठी सावनेर इनको फिरियादी अनिल काकानी इनके संपत्ति का ताबा देने के लिए निर्देश दिए, जिसके चलते हाईकोर्ट मंडल अधिकारी और तलाठी ने अनिल काकानी की संपत्ति का ताबा बैंक ने दे दिया। दर्शकों नमस्कार, इस समय भी इन बिसिंग की टीम सावनेर के अरविंद सहकारी बैंक के पास में मौजूद है, जहां पर फिरियादी का एक ऐसा संपत्ति था जिसके ऊपर में बैंक ने सरफेस अधिनियम के तहत उस मालमत्ता को, संपत्ति को जब्त किया था। आखिरकार नायब तहसीलदार की पूरी टीम यहां पे मौजूद है और उनके समक्ष यहां का जो ताला जो लगाया गया था वो तोड़ के फिरियादी जो है अनिल काकानी इनको ये संपत्ति दी गई है। इस समय में नायब तहसीलदार दराड़े मैम हमारे साथ में आई, उनसे जानना चाहेंगे। मैम ये बताइए कि जिस तरह से ये जो कार्रवाई की गई इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या कहना चाहोगे आप? हमें माननीय जिलाधिकारी नागपुर इनका जो आदेश था वह आदेश हमने फॉलो किया है, ये बस यही। लेकिन इतना लेट लतीफी हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। देखिए कैसा है, वो आरोप प्रत्यारोप का दौर चला वो ठीक है, लेकिन जब हमें आदेश मिला उसी टाइम हमने क्विकली कार्रवाई की है। अब इसके बाद फिरियादी को या बैंक में कुछ मनमुटाव या कुछ आपसी क्या होगा वो अभी जिलाधिकारी साहब डिसाइड करेंगे, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। आज की इस कार्रवाई से कितना संतुष्ट हो? अभी जो हमें जो कार्रवाई करनी थी, जो हमें सीनियर के ऑर्डर्स थे वो हमने फॉलो किए, वही हमारे लिए संतुष्टि है। जिसकी वजह से माननीय उच्च न्यायालय मुंबई इनके द्वारा दिए गए तारीख 26 मार्च 2020 के आदेश का उल्लंघन हुआ है और जिसके चलते उच्च न्यायालय मुंबई के आदेश की अवमानना हुई है। इस समय में हमारे साथ में अरविंद सहकारी बैंक के शैलेश जैन भी हमारे साथ में है, जो कि डायरेक्टर भी, उनसे जानना चाहेंगे। जैन साहब ये बताएं कि जिस तरह से आपने जो सरफेस अधिनियम के तहत ये जो कार्रवाई की गई थी और उनकी संपत्ति को जो सील किया गया था, आखिर ऐसी वजह क्या थी? देखिए जो आज आप जिन्हें फिरियादी कर रहे हैं अनिल काकानी जी, वो हमारे बैंक के बड़े ग्राहक थे। उन्होंने वो डिफॉल्टर रहे, उन्होंने काफ़ी अरसे से पैसा दिया नहीं है, इसलिए 2016 से उनके ऊपर कार्रवाई चल रही थी। बीच में ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया कि कोऑपरेटिव बैंकों को इसके अधिकार है क्या, और उसका भी अभी जो डिसाइड हुआ, ये अभी पेंडेमिक सिचुएशन जब थी मई 2020 में सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर आई और उन्होंने बोला कि नहीं कोऑपरेटिव बैंक को इसका अधिकार है, तब जाकर हमने माननीय कलेक्टर साहब के पास अर्जी दिया और इस बैंक के जो प्रॉपर्टी जो जब्त थी उसका ताबा मिलने को होना उसके बारे में कार्रवाई की गई। उस पर भी काकानी जी को नोटिस दिया गया था, 21 तारीख को विधिवत कार्रवाई हुई और महसूल अधिकारियों ने आके हमको ताबा दिया। इस ताबा देने की कार्रवाई होने के बाद में अचानक हमें एक पेपर के माध्यम से पता चला कि काकानी जी ने इसमें कोर्ट की अवमानना हुई है, ये कहकर एक पिटीशन जो है फाइल की है, और उस पिटीशन में ये पेपर से पता चला हमको, हाईकोर्ट का कोई आदेश नहीं आया, कोई नोटिस नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर उसमें यह लिखा है कि 6 तारीख तक वह इसका ताबा जो है वो काकानी जी को दिया जाए करके, ऐसा आदेश हुआ है करके पेपर में लिखा है, पुण्य नगरी पेपर है में अंदर 6 अभी 11 को।
लेकिन अचानक आज 11:15 बजे तहसीलदार साहब का एक पत्र हमको आता है 11:15 बजे कि भाई 11 बजे हम उनको ताला दे रहे करके। हमने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया कि भाई ऐसा कैसा, हमारी कुछ कहना सुनो, क्या है क्या नहीं, आपने अभी देखा है यहाँ पे कोई रहता नहीं इस मकान में। अभी आप ये बताइए जैन साहब, क्या अगली रणनीति या अगली कार्रवाई क्या होगी आपकी? बिल्कुल, ये लीगल बैटल है, हाईकोर्ट में हम अपीयर होंगे। हमने उनको लिख के दिया कि 2 तारीख को हम खुद हाईकोर्ट जा रहे हैं, इसके बारे में हम हाईकोर्ट से आदेश प्राप्त करेंगे। जो भी है, कानून कानून की जगह, कानून अपना काम करेगा, उसके बारे में हमारा कुछ कहना नहीं। हमारा आज उनको सिर्फ इतना ही कहना था कि यदि आपको ताला देना है तो आपने कहाँ लिख के लाया कि भाई ताला तोड़कर इनको कब्जा दिया जाए करके। हमें तो हाईकोर्ट ने आदेश दिया नहीं कि उनको कब्जा दो करके, या कोई अधिकारी ने हमको ऐसा बताया नहीं कि भाई ऐसा ऐसा और आप इनको कब्जा दो करके। हम कब्जा कैसा दें आपको इस चीज़ का, क्योंकि हमने पूरी विधिवत कार्रवाई करके कब्जा प्राप्त किया है। लेकिन जिस प्रकार से नायब तहसीलदार खुद आके अगर यहाँ आई हुई है तो क्या वो इलीगल मैटर कैसे हो सकता? नहीं, बिल्कुल, उन्होंने ये कहा ना कि हमने जिलाधिकारी का आदेश पालन किया है, हमको हाईकोर्ट का कुछ मालूम नहीं क्या हुआ क्या नहीं, आपकी क्या कार्रवाई, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हमने सिर्फ जिलाधिकारी के आदेश का पालन किया है, ये उनका कहना है। अब जिलाधिकारी साहब ने ऐसा आदेश कैसे निकाला क्या निकाला, अब इसके बारे में सब खुलासा कोर्ट में होगा। यह कार्रवाई को अनिल काकानी, इन्होंने उच्च न्यायालय मुंबई में अवमानना याचिका दाखिल की, जिसमें तारीख 25 अक्टूबर 2020 को उच्च न्यायालय ने कलेक्टर मंडलाधिकारी तहसीलदार व बैंक को फटकार लगाते हुए अवैध तरीके से जब्त की गई संपत्ति को वापस करने के आदेश दिए, जिसके चलते सावनेर मंडलाधिकारी और तलाठी ने अनिल काकानी को जब्त की गई संपत्ति वापस कर दी। तो हमने देखा कि किस तरह से बैंक के डायरेक्टर शैलेश जैन, इनका ये जो कुछ कहना था। अब आइए हम सीधा रुख करना चाहेंगे जो कि फिरियादी, जिनको आज ये संपत्ति का जो सील की गई थी बैंक की ओर से जब्त की गई थी, वो आज उन्हें संपत्ति मिल चुकी है। ऐसे अनिल काकानी हमारे साथ में मौजूद है, आइए उनसे भी जानना चाहेंगे। काकानी साहब, ये बताइए कि जिस तरह से आज ये जो कामकाज हुआ, क्या कहना चाहोगे, आज जो आपको संपत्ति मिली क्या उससे आप पूरी तरह से संतुष्ट हो? जी, संतुष्ट है, संतुष्ट है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ इन्होंने आज जाके 21 तारीख को हमको नोटिस देके पोजीशन लिया था। ऑलरेडी इसमें हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर था और इन्होंने पोजीशन लिया था, उस पर अब हाईकोर्ट मुंबई उच्च न्यायालय ने आदेश दिया। आदेश के हिसाब से जिलाधिकारी साहब ने आदेश दिया, उसके हिसाब से इन्होंने हमको पोजीशन दिया। तो दर्शकों, हमने देखा कि किस तरह से अरविंद सहकारी बैंक की ओर से ये जो कार्रवाई की गई थी वो उचित नहीं थी, ऐसा फिरियादी अनिल काकानी का कहना है। और जबकि कोरोना महामारी का जो एक प्रादुर्भाव जो फैला है, उसका जो संक्रमण बड़ी तेजी से पनप रहा है, जिसके चलते हाईकोर्ट ने ऐसी कोई भी वास्तु को सील करना या मकान तोड़ने का काम पे पूरी तरह से स्थगित यानी रोकथाम लगा दी थी, उसके बावजूद भी बैंक की ओर से जो कामकाज किए गए हैं उसको लेके आज इन्होंने चैलेंज किया और हाईकोर्ट में फिर से एक बार अवमानना याचिका दायर की, जिसके चलते हाईकोर्ट ने अनिल काकानी के पक्ष में बात करते हुए ये न्याय दिया है। और जिलाधिकारी के मार्फत आज ये लॉक तोड़ा गया है और यह कार्रवाई में तहसीलदार तलाठी और साथ ही साथ में नायब तहसीलदार खास तौर पर मौजूद थे। और इस प्रकार से अनिल काकानी को उनकी जब्त की गई संपत्ति फिर से एक बार मिल चुकी है। सावनेर के अरविंद सहकारी बैंक से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज़, नागपुर।